YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर समेत संगठन के लिए सक्रिय दो उग्रवादियों को शुक्रवार की रात दबोच लिया गया। दबोचे गए उग्रवादियों के पास से एक देसी कट्टा, चार जिंदा गोली और एक मोटरसाइकिल के अलावे उनकी निशानदेही पर काफी संख्या में नक्सली पर्चा और एक पुलिस वर्दी भी बरामद किया गया। उग्रवादियों द्वारा विकास योजनाओं में व्यवधान एवं आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिए जाने के मकसद से मोटरसाइकिल से आने की सूचना गढ़वा पुलिस अधीक्षक को मिली थी, जिसके बाद थाना प्रभारी आशित कुमार सिंह एवं सीआरपीएफ निरीक्षक चंद्रपाल पटेल के नेतृत्व में सघन जांच एवं तलाशी अभियान चलाकर जेजेएमपी एरिया कमांडर को पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में बताया कि उसके बाकी दस्ता सदस्य देर रात्रि रमकंडा आएंगे, फिलहाल वे सतबरवा में हैं। इसी निशानदेही पर पुलिस की छापामार टीम ने देर रात सतबरवा जाकर ठीमी गांव से सक्रिय नक्सली संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दो अन्य उग्रवादी रमकंडा के रक्सी गांव निवासी महेश भुइयां और चीनिया थाना के बिलैती खैर गांव निवासी विष्णु संभवतः पुलिस के पहुंचने की भनक लगने पर फरार हो जाने में सफल रहे। गिरफ्तार उग्रवादियों राम सुंदर सिंह तथा संतोष यादव ने पुलिस को बतलाया कि फरार नक्सली हथियार से लैस हैं। वहीं इन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने गोबरदहा गांव से 62 पीस नक्सली पर्चा एवं एक सेट पुलिस वर्दी बरामद किया है। शनिवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार एरिया कमांडर भंडरिया थाना क्षेत्र के कुरुम गांव का रहने वाला है और मोटरसाइकिल से इसके आने की सूचना मिली थी। फिलहाल यह रंका, रमकंडा, चैनपुर, भंडरिया तथा पलामू के सदबराव इलाके में आतंक का पर्याय बना हुआ था, जिसका मुख्य काम विकास कार्यों में लेवी वसूली के लिए अवरोध उत्पन्न करना था। उन्होंने कहा कि पिछले माह बीजका क्षेत्र में सड़क एवं पुलिया निर्माण में लगे मजदूरों के साथ मारपीट एवं ठेकेदार को इसके द्वारा धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस अभिरक्षा में निर्माण कार्य को पूर्ण कराया गया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के विरुद्ध रमकंडा और भंडरिया थाना में कई मामले दर्ज है। पिछले दिनों भी लेवी वसूली के मामले को लेकर नक्सली राम सुंदर सिंह के दो अन्य साथियों भंडरिया निवासी नंदलाल चौधरी एवं पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के उल्पान निवासी नक्सली फुनेश्वर सिंह उर्फ शुभम को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सर, 29 तारीख को एसपी मैम को एक सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के कुछ एरिया कमांडर और उसके सदस्य रमकंडा थाना क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इसी आसूचना के आलोक में पूरी रमकंडा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग और गश्ती को तेज किया गया था और इसी क्रम में दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। एक का नाम है संतोष यादव जो सतबरवा का रहने वाला है और दूसरा राम सुंदर जो क्रूम भंडरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और ये राम सुंदर जो है जेजेएमपी का एरिया कमांडर के रूप में इस क्षेत्र में काम कर रहा था और अन्य कई कांड थे उसमें इसकी तलाश में पुलिस को थी और 29 तारीख को इसको गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक देसी कट्टा था इनके पास, पर्चा था जेजेएमपी के 50 से 60 के बीच में और एक वर्दी जो ये पहन रहे थे वो प्राप्त हुआ। लगभग कितने घटना में लोग नामजद हैं? ये लगभग भंडरिया और रमकंडा के तीन कांडों में पहुंचे थे।